गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कितनी ज़्यादा रेडी किस लिए हुई हूँ। तो आपको बता दूँ, हम लोग जा रहे हैं वास्तु शांति के प्रोग्राम में, एक रिलेटिव के घर वास्तु शांति का प्रोग्राम है, वहाँ पर जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग पार्लर में जाने वाले हैं दीपाली का मेकओवर करने। पता नहीं अभी वो क्या क्या करने वाली है, तो वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। बट अभी निकलने का टाइम हो गया है, बट अभी तक दीपाली रेडी हो रही है। मैंने तो सिंपल सा ड्रेस पहन लिया है, तो इसी वजह से मुझे जल्दी, मतलब मेरा जल्दी ही हो गया। बट दीपाली ने साड़ी पहनी है ना, विवेक बोल रहा था साड़ी पहनो क्योंकि अभी वो नई नई है यहाँ पर और अच्छा नहीं लगता है, बोले मेरा तो पुराना हो गया है, इतना टेंशन नहीं है मुझे, तो अभी वो नया नया है उसका काम, तो इसीलिए साड़ी पहनो बोल रहा था। नहीं तो मैंने उसको बोला था कि वो सूट पहन ले और चले हमारे साथ, बट उसका भी मन था, उसके ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, इसी वजह से विवेक बोलता है हमेशा उसको साड़ी पहनने के लिए। हाँ, और उसको भी अच्छी लगती है, बहुत कंफर्टेबल रहती है वो साड़ी में। शू पहन लो शू। हाँ ठीक है चप्पल ठीक है, वो उल्टी है, उल्टी है। अद्विक अद्विक को भी सिंपल सा रेडी कर दिया है, क्योंकि बच्चे अगर थोड़ा सा तामझाम कर देते हैं ना बच्चों को, तो बहुत ज़्यादा मतलब अनकम्फर्टेबल लगता है उन्हें, तो इसी वजह से सिंपल सा टी शर्ट पहना के उसको वो शॉर्ट पहना के रेडी कर दिया है। और माही भी रेडी हो गई है, मम्मी भी रेडी हो गई है, बस दीपाली का थोड़ा सा रह गया है टचअप करना, बस बाकी कुछ नहीं है, तो वो भी अभी रेडी हो जाएंगी तो निकल जाएंगे हम लोग। तो चलिए वहाँ पर क्या क्या होगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। क्या और बेल आइकॉन मत भूलना बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। ये एंड नहीं कर रही हूँ अद्वी, ये स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं ब्लॉग की। हाँ। ये ब्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हाँ तो चलो फिर निकलते हैं हम लोग। आज का दीपाली का लुक देखो, दीपाली कैसी लग रही है कमेंट करके जल्दी से बताइए। ग्रीन साड़ी पहने है, ग्रीन साड़ी अच्छी लगती है दीपाली के ऊपर। हाँ। बहुत सुंदर, वो क्लच लगाओ अच्छे से। खुल गया, अरे उसमें का तामझाम दिख गया, क्या क्या लिया है दीपू मामी ने। हाँ दीपा मामी ने क्या क्या लिया है, वो उसके का उसके अंदर का तामझाम दिख गया। चलो फिर अभी कौन आया है आगे, गोलू मामा इस तरह से रेडी हुई है। माही ने ये वाला वन पीस पहना है, सिंपल सी रेडी हुई है माही, क्यूट लग रही हो। आइए ये लवकर मम्मी का लुक आज का, आज मम्मी इस तरह से रेडी हुई है। चलो पहुंच गए हम यहाँ पे, बस लिफ्ट का वेट कर रहे हैं नीचे आने का, बस नीचे आ जाए हम लोग ऊपर जाएंगे। जल्दी से हेयरकट कराना है दीपाली का, मम्मी का और माही का, तीनों का हेयरकट करना है आज, तो तीनों का हेयरकट आप देख लोगे अभी। कचरा ना करे। खाना खाने गए हैं, तब तक वेट करने वाले हैं हम लोग, बस अभी भैया खाना खा के आ जाए उसके बाद। कैसा लग रहा है, हेयर कट होने वाला है आज, लुक चेंज होने वाला है आपका? अच्छा लग रहा है। माही आज तो माही का भी लुक चेंज होने वाला है, मम्मी का भी लुक चेंज होने के बाद अच्छा लग रहा है। हाँ देखो मम्मा कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलो फिर अभी आपका आपका भी लुक चेंज होने वाला है आज, है ना, सबका लुक चेंज करने वाले हैं आज भैया तीनों का। जाओ बोलना घर पे, देखिए मम्मी का न्यू लुक युवक। अरे वाह सुंदर लग रहे, वेगळं नाही वाटत आधी सारखंच वाटत
बगू मांगो डालना है इसमें। हाँ 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 आपको जो अच्छा लगे वो कट डाल दो। माही दीदी तुझे आंघोळ करून देते का ग? अच्छा लग रही हो। आप बैठ जाओ, आप दीपाली आप बैठ जाओ। स्ट्रेट नहीं, लेयर करना है। हाँ ना, स्ट्रेट में भी शॉर्ट ही होने वाला है ना, उतना तो कम करने ही वाले हो आप। दीपाली का लुक चेंज हो गया है, मम्मी का लुक चेंज हो गया है और माही का भी लुक चेंज हो गया है, सबका लुक आज चेंज कर गया है हम लोग। चलिए अभी जाते हैं वहाँ पे, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी, वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद क्या होगा वो आपको दिखाती हूँ। आपका लुक नहीं चेंज हो गया बेचारा आदमी, इसका लुक नहीं चेंज हुआ। चलो हो बरोबर आहे ना, मी म्हणून तर म्हटलं की आपण थोडस लेटच गेलं तर चालत, अजून असं नाही करायचं। ओळखलं का तुम्हाला? पार्लरवाली मम्मी जे जे कर कुठे छोटी होती बरी नाही तो गाइज बस यहाँ पर खाना खा रहा है। एक्चुअली हम लोग लेट आए थे ना, तो इसी वजह से हम ही लोग थे खाना खाने के लिए।
दोपहर का प्रोग्राम था ना, तो इसीलिए हम ही लोग रह गए थे, तो हम ही लोग बैठे हैं यहाँ पे। और खाना इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि आपको क्या ही बताऊँ, मैं तो मतलब तारीफ ही करते रह गई। इतने सब कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी, कढ़ी बोलो या मिक्स वेज नहीं, क्या बोलते हैं, भिंडी मसाला था, और उसके बाद जीरा राइस था, उसके बाद क्या क्या था, हाँ बैगन मसाला था। काफ़ी टेस्टी बना था यार, सब्जियाँ बहुत ही टेस्टी बनी थी, और गुलाब जामुन थे, और कढ़ी थी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था सब कुछ। तो इसलिए वजह से हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, पकौड़े वगैरह भी थे। देखो यहाँ पर सब कुछ दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या है। तो ये सब कुछ था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था सब कुछ, खाना भी और सब। और मैं आपको थोड़ी देर के बाद घर भी दिखाऊंगी। तो ये वाला रेडीमेड शायद लिया है उसने, राहुल की मम्मी आई थी ना, तो उनसे बातें करते हुए टाइम निकल गया। उसके बाद नीचे आए तो नीचे मैं आपको घर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लिविंग रूम है, यहाँ पर आपको दिखाती हूँ POP वगैरह ये सब कुछ। ये शायद रेडीमेड, मतलब जो ये बनाते हैं ना डुप्लेक्स टाइप में, तो ये डुप्लेक्स ही है, साइड में भी सेम इसी तरह से है। और यहाँ पर एक पहला लिविंग रूम और सेकंड है एक किचन है, सेकंड किचन भी आपको दिखाती हूँ, काफ़ी स्पेशियस है किचन भी। तो यहाँ पर ट्रॉली शायद उन्होंने ही बना के दी है, जो बिल्डर होते हैं उन्होंने ही। तो ये कुछ इस तरह से किचन है, और किचन के साइड में जो डोर है उधर से निकलते हैं, वहाँ पर यूटिलिटी एरिया है, जैसे कि बर्तन वर्तन क्लीन करने के लिए। और एक बाथरूम भी है वहाँ पे, टॉयलेट बाथरूम मतलब कॉमन वाला। और ये जो है यहाँ पर एक बाथरूम है अटैच वाला, मतलब अटैच नहीं किया है, वो भी कॉमन जैसा ही है। और यहाँ पर एक बेडरूम है। तो इस तरह से ये घर है, बहुत ही सुंदर लगा मुझे घर भी, मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जल्दी से बताइए। और यहाँ पर बस पैर छू रहा है, उसके बाद निकल जाएंगे। घर पे आ गए हम लोग, और बाहर 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 आज पूरा दिन बाहर रहे, फाइनली अभी घर पे पहुंच गए हैं। अच्छा लग रहा है अभी, मतलब रिलैक्स लग रहा है। तो चलिए अभी फेस वॉश करती हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ अपना, आराम से सो जाती हूँ। उसके बाद प्रोग्राम था वो भी अच्छा रहा, आपने तो देख ही लिया है। तो चलिए गाइज, मैं सोच रही हूँ इसके साथ ही अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ। मिलती हूँ गाइज अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस, ध्यान रखना अपना।